हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा था। एल्वियोलाई की लेयर्स कौन सी होती है, एल्वियोलाई कैसे कैपिलरीज से घिरा हुआ होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी लेयर के थ्रू किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कौन कौन से लेयर्स को गैसेस को क्रॉस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ओके, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है उसमें दो अलग अलग टाइप के टिश्यू सेल्स पाए जाते हैं। एक तो सेल होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और दूसरे सेप्टल सेल्स होते हैं जो कि एल्वियोलाई की वॉल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। उनका बेसिक काम ये होता है कि एल्वियोलाई पे जब प्रेशर पड़े, एल्वियोलर वॉल पे जब प्रेशर पड़े तो एल्वियोलर वॉल जो है वो कोलैप्स ना करे। ओके, सो सेप्टल सेल्स एंड गैसियस सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेप्टल सेल में हमने एक सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ा था, एल्वियोलर सर्फेक्टेंट या जिसको हम पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बोलते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था। वो नाम आपको याद रखना है, डाईपाल्मेटॉयल फॉस्फेटिडिल कोलीन, डाईपाल्मेटॉयल फॉस्फेटिडिल कोलीन, ये सर्फेक्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, जो कि लेसिथिन और लिपोप्रोटीन्स का जो है मिक्सचर है। आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा जो लंग कैपेसिटी है या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक हम एक डिस्कस करते हैं टॉपिक कि किस तरह से एयर जो अंदर आता है जब हमारे शरीर में, तो ऐसा क्यों होता है। अब आपको डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट पता है, डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो गैस का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मतलब जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उससे जहाँ कम होगा उस तरफ जो है गैस की मूवमेंट होगी। अब कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ आप कि एक 100 ml की बॉटल है, ठीक है, जैसे ये एक इंक की बॉटल है, ठीक, अगर ये इंक की बॉटल ये कितनी 100 ml की है और ये पूरी तरह से भरी हुई है, 100 ml है और ये पूरी तरह से भरी हुई है, वहीं पे एक 500 ml की एक बॉटल है, ठीक है, कोई 500 ml की बॉटल है और उसमें 200 ml क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक, तो 100 ml की बॉटल में 100 ml बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 100 ml, उसके अंदर लिक्विड कितना भरा हुआ है, 100 ml, ठीक है, और यहाँ पे बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 500 ml और इसमें लिक्विड कितना भरा हुआ है, 200 ml। सो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। जो लिक्विड है वो तो इसमें ज़्यादा है 200 ml और इसमें सिर्फ 100 ml है, बट जिस कंडीशन में, जिस एटमोसफेयर में, जिस कंटेनर में चीज़ रखी गई है उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। सिलेंडर भरते हुए देखा है ना आप लोगों ने, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। चलो अब पढ़ते हैं क्या पढ़ रहे थे अपन। सांस अपन लेते हैं, सांस तो सभी लेते हैं, आप लेते हो, मैं लेता हूँ, लेते हैं तभी तो हैं। सो इन्हेलेशन जब होता है, इन्हेलेशन के समय नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर होता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के बराबर रहता है, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर एयर का जो दबाव रहता है वो एटमॉस्फेयर में एयर का जो दबाव है उसके बराबर रहता है, ठीक है। सो लंग प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके बराबर रहती है, तो कितनी रहती है वो 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। सो इन्हेलेशन के पहले, सांस लेने से पहले जो लंग्स में एयर प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg रहती है। सो यहाँ पे अगर अपन लिखें, बिफोर इन्हेलेशन लंग प्रेशर इज इक्वल टू ATM, ATM means atmosphere, ठीक है, is equal to ATM, that is 760 mm of Hg, ठीक है, 760 mm of mercury। तो inhalation के पहले
जो लंग प्रेशर है वो 760 एमएम ऑफ एचजी रहता है। अब सांस लेनी है हमें, मतलब एयर को अंदर की तरफ भेजना है, तो क्या करना होगा? एयर अंदर की तरफ कैसे जाएगा? अभी बाहर का और अंदर का बाहर का और अंदर का प्रेशर जो है बराबर है। अब डिफ्यूज़न के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। मतलब अगर डिफ्यूज़न ऑकर होना है, डिफ्यूज़न होना है अगर, दैट मीन्स कि अगर दोनों ही जगह, मतलब एटमॉस्फेयर और हमारे शरीर के अंदर दोनों अगर बैलेंस होगा तो डिफ्यूज़न नहीं हो सकता। दोनों में अंतर आना चाहिए, इम्बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है? मतलब किसी एक जगह का प्रेशर कम होना चाहिए और दूसरी जगह का प्रेशर बढ़ना चाहिए। बढ़े नहीं भी बढ़े तो दूसरे जगह का प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमारे अंदर का प्रेशर अगर कम होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूवमेंट होती है। अभी क्या है, यहाँ हो गया ये लंग्स और ये हो गया एटमॉस्फेयर। लंग्स का प्रेशर कितना है? 760। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 760। दोनों बराबर है, इसलिए एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और हम सांस लेते तो क्या होता है, बाहर से अंदर हवा आती है, दैट मीन्स कि अगर बाहर से अंदर हवा आनी है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन को हायर करना होगा। हायर कंसंट्रेशन करने के लिए जब भी हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, डायफ्राम सबको पता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो उस समय हमारा जो डायफ्राम है नॉर्मली डोम शेप का होता है, मतलब इस तरह से राउंड, तो हमारा जो डायफ्राम है वो इस तरह से रहता है नॉर्मल कंडीशन में। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है उसका वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लंग्स है, लंग्स किसके ऊपर सिट करता है? डायफ्राम के ऊपर। लंग्स किसके ऊपर सिट करता है? डायफ्राम के ऊपर, ठीक है? तो हमने जब अभी 760 एमएम ऑफ एचजी है, अभी क्या है 760 एमएम ऑफ एचजी, ये प्रेशर है। तो जब हमने सांस ली, सांस लेने से क्या हुआ, ये डायफ्राम जो है ये ऐसे नहीं रह के, ये डायफ्राम जो है ये यहीं से था, यहीं पे ख़त्म होगा, बट अभी जो है ये फ्लैट हो चुका है। जब ये डायफ्राम फ्लैट हो गया तो उससे क्या हुआ, इसको हटा दो, गैप दिख रहा है लंग्स और डायफ्राम के बीच में, ये गैप मिल गया, दैट मीन्स कि जब हम सांस लेंगे तो लंग्स फैलेगा, जब ये फैलेगा तो ये नीचे तक आएगा, जब ये नीचे तक आएगा तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो जैसे ही इनहेल करते हैं तो लंग्स का साइज बढ़ता है और हमारे बॉडी में जो एयर प्रेशर है वो 760 से 758 हो जाता है। जैसे ही 758 हुआ तो यहाँ का कंसंट्रेशन लोअर हो गया, तो लो कंसंट्रेशन यहाँ हो गया, तो हाई से लो की तरफ एयर की मूवमेंट होगी और वापस से ये जो है 760 हो जाएगा, 500 ml एयर जो है वो अंदर आ जाती है। समझ में आया? इस तरह से जो कंसंट्रेशन है वो हम लो करते हैं। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद डायफ्राम सीधा हो गया, वापस जब सांस छोड़ेंगे डायफ्राम वापस से रिलैक्स हो जाता है। सो बिफोर इनहेलेशन लंग प्रेशर इज इक्वल टू एटमोसफेयर 760 mm of Hg, ठीक है? इनहेलेशन से क्या होता है, इट कॉजेज द साइज ऑफ लंग्स टू इंक्रीज, ठीक है? इनहेलेशन कॉजेज लंग साइज टू इंक्रीज, इनहेलेशन इन्हेलेशन से लंग साइज तो बढ़ता है, पर उसके पहले इन्हेलेशन से क्या होता है, जो डायफ्राम का डोम शेप है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेज इट टू फ्लैटन,
अब देखो पॉइंट यहां से लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है जब सांस ले रहे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉजेज इट टू फ्लैटन, कॉजेज इट टू फ्लैटन या फिर लोअरिंग इट्स डोम। जो डायफ्राम है वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका क्या होता है, जो डोम शेप है वो फ्लैट हो जाता है, इस कारण से जगह मिल जाती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेस इट टू फ्लैटन इट्स डोम। उसके बाद इनहेलेशन कॉजेस इंक्रीज द साइज ऑफ लंग्स। अब जैसे ही डायफ्राम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट कॉजेस इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लंग्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल इन्हेलेशन जब होता है, मतलब हम बहुत जोर से सांस नहीं ले रहे, नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है कि जो प्रेशर है, सॉरी डायफ्राम है, वो अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है, जिस कारण से प्रेशर जो है उसमें 1 से 3 mm ऑफ Hg का डिफरेंस आता है। मतलब 760 था, अब 1 से 3 मतलब 757 से 758, इतना डिफरेंस जो है वो आता है और अप्रोक्स 500 ml एयर जो है वो अंदर आ जाती है, ठीक है। सो नॉर्मल इन्हेलेशन की बात करें, सो नॉर्मल इन्हेलेशन द डायफ्राम इज डिसेंड्स अबाउट, इन नॉर्मल इन्हेलेशन डायफ्राम डिसेंड्स अबाउट 1 centimeter, 1 centimeter डायफ्राम जो है वो नीचे जाता है, प्रोड्यूसिंग अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ ऑफ 1 से 3 mm Hg, 1 से 3 mm Hg का प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, एंड द इनहेलेशन ऑफ अबाउट 500 ml ऑफ एयर, एंड इनहेलेशन ऑफ अबाउट 500 ml एयर, 500 ml एयर जो है वो इनहेल कर लिया जाता है, ठीक है। ये था आपका इनहेलेशन का कॉन्सेप्ट कि कैसे ये वर्क करता है। सो नॉर्मल इन्हेलेशन में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स का साइज बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, उसके बाद जैसे ही प्रेशर कम होता है बाहर से अंदर हवा आ जाती है, हवा कितनी आती है अप्रोक्स 500 ml आती है, जिसको अपन टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें रेस्पायरेशन में, 75% तक एयर का जो एंट्रेंस है वो डायफ्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो ड्यूरिंग जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होता है, उसमें डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से 75% एयर जो है वो अंदर आती है या बाहर जाती है, ठीक है। 25% एयर का ट्रांसफर जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये रिब्स को एलिवेट करते हैं, जो हमारा रिब्स है, मतलब जो हमें लंग्स को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है जो रिब्स, उसको क्या कहते हैं आगे तक, जब आप सांस लेते हो तो आपको पता चलेगा आपके रिब्स भी जो है आगे की तरफ आते हैं, उसको पुश कौन करता है आगे की तरफ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ओके, रिब्स को आगे की तरफ पुश करते हैं।
तो 75% डायफ्राम के कारण होता है और 25% एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कारण होता है आपका जो इनहेलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। एक्सहेलेशन का प्रोसेस सेम चलता है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो सेम चलता है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम सांस ले रहे हैं, जो भी मसल्स वर्क करते हैं सांस छोड़ते समय भी वही मसल्स वर्क करते हैं और अपोजिट काम करते हैं। अगर डायफ्राम उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम जो है रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, चेस्ट जो है वो फैल रहा है, रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स जो है उसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, लंग्स का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है, तो साथ ही साथ जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, इसलिए हम सांस ले पा रहे हैं। उल्टा होगा उसका, जब हम सांस छोड़ेंगे तो वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर अंदर का ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सटर्नल से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ सांस जो है बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत रेस्पिरेशन की, किस तरह से ब्रीदिंग जो है वो वर्क करती है, ठीक है। हम तो नॉर्मली सोच लेते हैं सांस ले रहे हैं अंदर जा रही है, छोड़ रहे हैं बाहर आ रही है, बट नहीं, इसमें भी बहुत खेल है डिफ्यूज़न का। अगर डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएं, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अपन इतना ही रहने देते हैं, कल से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो हम क्लास में मिलेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाएंगे, एंड होपफुली कि आप रेस्पिरेशन पढ़ के क्लास में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आज का वीडियो लेक्चर अपन यहाँ ओवर करते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में थोड़ा और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में जानेंगे क्या क्या होते हैं। सो तब तक के लिए कल मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।